हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एंड के जॉब्स कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। कंप्लीट डिटेल मिलेगी वीडियो को, एंड तक देखना। यहाँ पर पहले आपके पास जो पीरियड रहेगा वो 3 साल का रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो जूनियर असिस्टेंट में 2 वैकेंसीज हैं, बाकी सब में एक एक वैकेंसी है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ में 7 वैकेंसीज हैं। टोटल 18 वैकेंसीज हैं, जिसमें पोस्ट हैं आपके पास स्टेनोग्रेड 3rd, असिस्टेंट, असिस्टेंट वार्डन, फिर उसके बाद मशीन मैकेनिक, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, उसके बाद ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस तरीके से ये वैकेंसीज हैं। पे स्केल आप देख सकते हो। यहाँ पर एज लिमिट 27 साल रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो कि क्वालिफिकेशन और स्किल टेस्ट वगैरह किस पोस्ट के लिए क्या है। तो इसमें सब के लिए एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 27 एज लिमिट है, और कैटेगरी वालों के रिलैक्सेशन है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। मतलब जिस तरीके से सेंटर का रूल होता है SC ST के लिए, तो उस तरीके से रिलैक्सेशन मिलेगी OBC वालों के लिए, PWD वालों के लिए एज में लिमिट में, ठीक है। इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ में 10th पास होना चाहिए, बस इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी सब में एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप चेक कर सकते हो डिटेल। फ़ी जो रहेगी वो 500 रहेगी जनरल, EWS और OBC वालों के लिए, SC ST PWD और फीमेल्स के लिए फ़ी नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस वगैरह क्या है, उसके बाद क्राइटेरिया क्या रहेगा सिलेक्शन का। यहाँ पर पहले ही मेंशन है एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो इसमें बाकी स्टेट वाले जो हैं वो भी अप्लाई करेंगे। लोकेशन जो है वो इसकी श्रीनगर है। उसके बाद अप्लाई करने का जो लिंक है वो है, एक्टिवेट किया जाएगा 22 मई 2021 से, लास्ट डेट रहेगी 21 जून 2021। तो यहाँ पर ये आपको लिंक मिल जाएगा NIFT.ac.in, इसके ऊपर कैरियर्स का लिंक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिक्रूटमेंट के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर मिलती है सारी जॉब्स अपडेट। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर रेगुलर अपडेट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं।